गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। बच्चों, आपका केवल और केवल लास्ट टॉपिक बचा है, ये लास्ट टॉपिक नहीं, लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 22, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये चैप्टर आपका बच्चों कंप्लीट है। मैंने आपको बताया था इससे पहले 20 और 21 चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स ही थे जो आपके सिलेबस में थे, बाकी सारे हट गए थे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक लाइन ये भी बोली थी कि हमारी बॉडी को ना क्या करना, का कोऑर्डिनेशन मेनली दो सिस्टम करते हैं, एक तो होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम लोगों ने देख लिया था, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने स्टडी की थी। अब हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, मेनली इसमें क्या आती हैं बच्चों, इसमें ग्लैंड्स आती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं, और ग्लैंड्स और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स, ये कम्प्लीटली मिलके क्या कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड से। दोज ग्लैंड्स विच डू नॉट हैव डक्ट्स, इनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं, डक्ट लेस होती हैं बच्चों ये, एंड पोर देयर सिक्रीशन, और इनके सिक्रीशंस क्या हैं, हार्मोन्स हैं बच्चों, डायरेक्टली इनटू द ब्लड फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू द टारगेट टिश्यू, आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द डिफ्यूज हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट द एंडोक्राइन सिस्टम। फिर आते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या होता है एडिनो हाइपोफाइसिस बच्चों, इट इज अ लार्जेस्ट एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का सबसे बड़ा जो लोब होता है डैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, स्मॉलर पार्ट होता है। फिर है हाइपोफंक्शनिंग, क्या होती है, व्हेन एन एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट लेस क्वांटिटी ऑफ द हार्मोन, हार्मोन्स की कम क्वांटिटी को जब वो सिक्रीट करता है, देन व्हाट इज नीडेड बाय द बॉडी इट सेड टू बी हाइपोफंक्शनिंग। बॉडी जो है वो कम फंक्शन करना स्टार्ट हो जाती है, और हाइपर फंक्शनिंग वही कि जब ये हार्मोन्स को ज़्यादा सिक्रीट करना स्टार्ट हो जाएगी तो उससे जो ड्रॉबैक रहते हैं, व्हेन एन एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट मोर क्वांटिटी ऑफ द हार्मोन देन व्हाट इज नीडेड बाय द बॉडी इट इज सेड टू बी हाइपोफंक्शनिंग। इसको मैं क्या नाम दूंगी, हाइपर फंक्शनिंग नाम दूंगी। ग्रेव्स डिजीज क्या होती है बच्चों, गॉइटर भी बोला जाता है जिसे हम, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वेयर थायराइड एनलार्जमेंट इज एकम्प्लीस्ड बाय द बल्गिंग ऑफ आई बॉल, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वहाँ पे जाके ये इफेक्ट करती है डिजीज। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, इट इज अ डिसऑर्डर इन विच द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड बिकम हायर, ब्लड में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन का बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है बच्चों। और हाइपोग्लाइसीमिया जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होना। ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। हमें पता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज ग्लाइकोजेनेसिस। फिर आते हैं बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अभी मैंने बताया सिंस द एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, देयर आर सर्टेन वेल ऑर्गेनाइज ग्लैंड, ये वेल ऑर्गेनाइज ग्लैंड होती हैं। उसके अलावा बच्चों कुछ टिश्यू भी होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं, डिफ्यूज ग्लैंडुलर टिश्यू डैट सिक्रीट्स हार्मोन इन आर बॉडी। अब वॉट इज हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन इज एज फॉलोज, हार्मोन इज अ केमिकल सिक्रीट, ये क्या है, केमिकल सिक्रीशंस हैं बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इन टू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू अ डिस्टल लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, कि ये एक पर्टिकुलर ग्लैंड है उससे सिक्रीट होने वाले केमिकल सब्सटेंस हैं जो टारगेट ऑर्गन पर जाते हैं और अपना वर्क करते हैं, ठीक है। द करंट डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स सेज हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स दैट एक्ट एन इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन माइन्यूट क्वान्टिटी, ठीक है, कि एक तरह के नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होता है जो कि एक तरह मैसेंजर का काम कर रहा है और क्या करता है, माइन्यूट क्वान्टिटी में रिलीज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्टाइड और प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन नेचर के जो होते हैं हार्मोन्स वो कौन से हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। स्टीरॉयड नेचर जो होता है इसका, स्टीरॉयड नेचर के कौन से हैं, कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव अमीनो एसिड से बने हुए कौन से होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन, और आइडोथायरोनिन जो होते हैं थायराइड हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो इनका नेचर है कौन, किससे बन रहे हैं, प्रोटीन से बन रहे हैं, स्टीरॉयड से बन रहे हैं, अमीनो एसिड से बन रहे हैं, या आइडोथायरोमीन से बन रहे हैं, उस अकॉर्डिंग इनको बता दिया गया, इनका अलग अलग
डिवाइडेशन कर दिया गया है। अब आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे बच्चों। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन कौन सी होती हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल, पैनक्रियाज। ठीक है, ये तो हार्मोन्स, ये तो सारी ग्लैंड्स होती हैं। उसके अलावा कुछ टिश्यू भी होते हैं जो सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स को। सैलो टिश्यू डेट सिक्रेट्स हार्मोन इन द ऑर्गन, लीवर करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक करता है, एट्रियल वॉल करती है और किडनी करती है। ठीक है, ये पूरा बता रखा है। सबसे पहले हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों कि आपके ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में मेनली तीन ग्लैंड्स होती हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड्स तो आपकी यहाँ इस जगह पर रहती है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ आपकी क्या रहती है? पिट्यूटरी। और वहीं पे पास में क्या होती है? पीनियल ग्लैंड होती है। फिर यहाँ आते हैं हम कहाँ पे? नेक पे। नेक में आपके दो ग्लैंड्स होती हैं, एक तो बहुत बड़ी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होती है जो कि बटरफ्लाई शेप की होती है, दूसरा उन्हीं के बीच में चार डॉट्स होते हैं, उनको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। देयर आफ्टर हार्ट के पास की बात करूं बच्चों तो हार्ट के पास थाइमस ग्लैंड होती है। देन मैं आती हूं किस में? किडनी में। किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ मैंने बताया था एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक है, अब आते हैं हम कहाँ पे? ये तो था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला पार्ट। अब आती हूँ मैं कौन से वाले पार्ट पे बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको आपको ध्यान होगा कि आपके स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी एक हार्मोन को सिक्रीट करता है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं तो मेल में देखेंगे तो टेस्टिस और फीमेल्स में देखेंगे तो ओवरी, वो भी हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो ये अलग अलग पोजिशन हो गई किसकी? अलग अलग ग्लैंड्स की। स्टार्ट करते हैं बच्चों हाइपोथैलेमस से। इट इज़ द बेजल पार्ट ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन का बेजल पार्ट होता है ये, विच कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स विच सिक्रेट हारमोन्स। दीज हारमोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हारमोन्स। हाइपोथैलेमस फोरब्रेन में प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं इसमें। न्यूरो नाम नर्व है, क्योंकि नर्व से रिलेटेड है तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स को सिक्रेट सेल्स इसकी हारमोन सिक्रेट करती हैं। मेनली टू टाइप ऑफ हारमोन बच्चों में यहाँ पे बताऊँगी, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन और हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन जब भी सिक्रेट होता है वो क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि आप आगे हार्मोन सिक्रेट करो। और इनहिबिटरी हार्मोन जैसे ही सिक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि अपने सिक्रेशन को रोक दो। बात समझ में आई? दो हार्मोन है, पहला है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कहना कि आप आगे अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करो, और इनहिबिटरी का मतलब इनहिबिट कर दो। इनहिबिट का मतलब रोक दो जो सिक्रेशंस आप भेज रहे हो। तो ये इस तरीके से वर्क करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसने ये बता रखा है कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ये न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, और ये न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? न्यूरॉन्स के इन्हीं सेल्स में से क्या हो रहे हैं? हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं। ठीक है, ये बता रहा है हाइपोथैलेमस पोर्टल वेन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अभी पिट्यूटरी के पार्ट यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टल सिस्टम हो गया। ठीक है, उसके अंदर एक्सोन टर्मिनल्स हो गए। द हार्मोन्स आर टू टाइप, अभी बोला मैंने, रिलीजिंग हार्मोन विच स्टूमुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है हार्मोन्स को सिक्रेट करो। और सेकंड हार्मोन जो होता है बच्चों वो कौन सा? मैंने आपको बताया है यहाँ पे, इसका एग्जांपल बता रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टूमुलेट द सिंथेसिस एंड रिलीजिंग ऑफ गोनेडोट्रोपिन। कौन कौन से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है बच्चों? FSH एंड LH, फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन्स का क्या काम होता है? विच इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय द पिट्यूटरी। एग्जाम्पल, सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन एक तरह का इनहिबिटरी हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को रोक देता है। दीज हार्मोन्स रीचेस द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुँचते हैं थ्रू हाइपोफिजियल पोर्टल वेन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड थ्रू सर्टेन एक्सोन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट ग्लैंड पे आते हैं बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है बच्चों, क्योंकि ये ही हमारी पूरी बॉडी में ग्लैंड्स जो अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं उन पे कंट्रोल बना के रखती है। ठीक है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी, बोन कैविटी में होती है। उस बोनी कैविटी को इसने नाम दिया है स्केला टर्सिका एंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। मैंने बताया था कि स्टॉक से ये हाइपोथैलेमस से यहाँ पे जुड़ी हुई रहती है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। एक मिनट, इनफंडिबुलम बोलते हैं। एनाटॉमिकली इट हैज़ टू पार्ट, इसके पास दो पार्ट होते हैं। अभी मैंने बताया था एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस वाला जो इसका पार्ट होता है इसे एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले पार्ट को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, ये तो चीज़ ध्यान रखनी है। एडिनो हाइपोफाइसिस जो होता है, अगेन इसमें दो लोब्स होते हैं, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, एंटीरियर लोब और मिडिल लोब। क्लियर होगी बात? पार्स डिस्टैलिस सिक्रेट
द फॉलोइंग हार्मोन्स। अब इनमें भी एडिनो हाइपोफाइसिस में पास डिस्टलिस कौन कौन से हार्मोन सिक्रिट करता है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट हार्मोन इसका होता है बच्चों ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एक्सेस सिक्रीशन, यानी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यदि सिक्रिट हो जाएगा बच्चों, ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स लीडिंग टू जेनेटिज्म। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर देगी तो क्या होगा, बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। उस डिजीज को क्या बोलते हैं, लंबा और बहुत अष्टपुष्ट हो जाता है, उसे जेनेटिज्म बोलते हैं। और उसका यदि कम सिक्रीशन होता है, लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, एंड लीड टू डिजीज कौन सी होगी, ड्वार्फिज्म। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्पेशली इन द मिडिल एज कॉज अ डिसऑर्डर। एक्सेस बहुत ज़्यादा, अब ये तो मैंने अभी तो तुम्हें बताया था बच्चों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यदि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है या कम होता है। अब आते हैं हम एडल्ट पे, एडल्ट पे भी कई बार ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस डिसऑर्डर को हम क्या नाम देते हैं, एग्रोमिगैली। इसको क्या बोलते हैं, एग्रोमिगैली विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम डिसफिगरमेंट ऑफ फेस। फेस जो होता है अच्छे से उसका फिगर आउट वो अच्छे से नहीं हो पाता है, फिगर्स अच्छे से नहीं दिख रहे हैं उसके, अलग अलग जो हमें अभी दिख रहे हैं, नोज अलग से दिख रही है, आइस अलग से, वो अच्छे से नहीं दिख रहा है। इट मे लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्री मैच्योर डेथ होने के चांसेस होते हैं इफ़ नॉट ट्रीटेड, बट इट इज़ हार्ड टू डायग्नोस इट इन अर्ली स्टेज। जैसे अर्ली स्टेज में हम डायग्नोस नहीं कर सकते, डैट मीन्स यही कि एग्रोमिगैली यदि किसी एडल्ट में हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, लीथल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड हार्मोन पर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड को कहता है कि अपने हार्मोन को सिक्रीट करो, ठीक है, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करने में हेल्प करता है। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एडिनल ग्लैंड को कहता है कि अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करो। इट स्टिमुलेट द एडिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल्स, मेल्स की बात करें बच्चों, अलॉन्ग विद एंड्रोजन इट रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रॉटम। नेक्स्ट फीमेल्स की बात करते हैं, इन फीमेल्स स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। और यदि फीमेल्स की बात करें तो ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में ये को स्टिमुलेट करता है, उसके अलावा सिक्रीशन ऑफ स्ट्रीजन बाय द फॉलिकल सेल। और उसके अलावा क्या करता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवरी को कहता है कि अब एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करो। ऐसे ही नेक्स्ट हार्मोन की बात करती हूँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स में क्या कर रहा है, इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग इन द टेस्टिस, हेंस इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल्स। ये क्या करेगा, एलएस जाके आपके नेक्स्ट ईयर रिप्रोडक्शन है तो वहाँ पे मैं पूरी ये स्ट्रक्चर समझाऊंगी, तो उसमें है ना जैसे क्या होता है, टेस्टिस के अंदर अलग अलग सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, उनमें क्या पाई जाती हैं, लीडिंग सेल्स होती हैं। लीडिंग सेल्स को कहता है कि आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करो, क्योंकि ये लीडिंग सेल्स को कह रहा है इसलिए इसका एक नाम और हो जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फीमेल्स में इसका काम क्या होता है, इट इंड्यूस ओवोल्यूशन, ओवोल्यूशन को इंड्यूस करता है, यानी ओवरी से एग का निकलना ओवोल्यूशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन के लिए कहता है बाय कार्पस ल्यूटियम, क्लियर। तो LH का फंक्शन हमें पता चल गया, और FSH मैंने पहले बताया था आपको, इन दोनों को मिलके क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन बोला जाता है। गोनेडोट्रॉपिक क्योंकि गोनोड्स क्या हैं, टेस्टिस और ओवरी, इसलिए इन दोनों को हमने क्या नाम दिया था, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन नाम दिया था। नेक्स्ट हार्मोन की बात करती हूँ बच्चों, तो नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हमेशा रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। मेनली इनका क्या काम होता है, मेमोरी ग्लैंड को रेगुलेट करना और मिल्क को फॉर्म करना। पास इंटरमीडिया सिक्रेट द हार्मोन, ये हो गए आपका पास डिस्टलिस। पास डिस्टलिस ने कितने हार्मोन सिक्रेट करे बच्चों, लगभग 6 करता है ये, 1 2 3 4 5 6 हार्मोन इसने सिक्रेट करे हैं। कौन कौन से बताए मैंने, ग्रोथ हार्मोन बताया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया, एडिनोकॉर्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया मैंने आपको, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिंग हार्मोन, ठीक है। ये 6 हार्मोन तो पास डिस्टलिस से रिलीज हो रहे हैं। 1 हार्मोन बात करूंगी पास इंटरमीडिएट से रिलीज होता है, डैट इज मिलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करता है
इट रेगुलेट द सिंथेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलेनिन पिगमेंट्स बाय मिलेनोसाइट्स ऑफ द स्किन. स्किन का कलर जो होता है वो मिलेनिन के कारण होता है. तो ये मिलेनोसाइट सेल्स को कह रहा है जाके कि आप मिलेनिन का सिक्रीशन करो, ठीक है, इट और उसका रेगुलेशन करता है. इट रेगुलेट द सिंथेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलेनिन पिगमेंट्स बाय मिलेनोसाइट्स ऑफ द स्किन. न्यूरोहाइपोफाइसिस, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस ओनली स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन. दो हार्मोन को ये रिलीज कर रहा है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन. क्या होता है ऑक्सीटोसिन बच्चों? ऑक्सीटोसिन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. क्या फंक्शन कर रहा है ऑक्सीटोसिन? इट स्टिमुलेट द विग्रस कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस. यूट्रस का विग्रस कॉन्स्ट्रक्शन को ये क्या कर रहा है? इट स्टिमुलेट द विग्रस कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ बर्थ. बर्थ में जो यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें जो विग्रस कॉन्स्ट्रक्शन होता है उसको स्टिमुलेट करता है. दूसरा, इट ऑल्सो स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन. जब बर्थ हो जाता है चाइल्ड का तो मिल्क मेमरी ग्लैंड से मिल्क के इंजेक्शन को भी ये क्या इजेक्शन यानी बाहर निकलने को भी ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है. ये तो हो गया ऑक्सीटोसिन, ये ओनली प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होगा. वैसोप्रेसिन बच्चों मैंने आपको बताया था इसका सेकंड नेम एंटी डायूरेटिक हार्मोन. मैंने बोला था जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तब ये सिक्रेट नहीं होता, पर जब हम कम पानी पीते हैं तो ये क्या करता है? कलेक्टिंग डक्स से वाटर के का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेता है. वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने के कारण जो यूरिन तो कंसनट्रेटेड होता है पर बॉडी को वाटर अच्छी क्वांटिटी में मिल पाता है. इटैक मेनली इन द किडनी एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ वाटर. हैंस इट इज नॉन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है. इट ऑल्सो एक्ट अ रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है. डेफिशियंसी बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, ADH रिजल्ट इन कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं बच्चों इसे. इट्स सिम्टम्स इंक्लूड रिड्यूस रीनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है लीडिंग टू एलिमिनेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ठीक है. डिहाइड्रेशन एंड थ्रस्ट. डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी हो जाना पूरी बॉडी में और बार बार प्यास लगना. वो सारी कंडीशन किसके कारण होती हैं? डायबिटीज इंसिपिडस के कारण होती हैं. अब ब्रेन में एक और ग्लैंड बच्चों मैंने बताई थी, कौन सी बताई थी? पीनियल ग्लैंड, ठीक है. द पीनियल ग्लैंड इज फाउंड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन. फोरब्रेन की डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट रहती है पीनियल ग्लैंड. इट सिक्रीट हार्मोन मिलेनोसाइट मिलेटोनिन सॉरी मिलेनोसाइट तो सेल्स होती है, मिलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है पीनियल ग्लैंड. इसका क्या फंक्शन होता है बच्चों मिलेटोनिन का? आपका जो 24 आवर्स का रिदम होता है उसको बना के रखती है. 24 आवर्स का रिदम आपको पता है कि आप इस समय सोते हो इस समय जगते हो, तो ये एक पर्टिकुलर आपका पूरा 24 आवर्स का एक रिदम बना हुआ है बॉडी में, उसको पूरा मेंटेन कौन करता है? मेलेटोनिन करता है. इट रेगुलेट द डायर्नल रिदम ऑफ आर बॉडी डैट इज स्लिप वेक साइकिल. इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी. बॉडी की डिफेंस कैपेबिलिटी को भी क्या करता है? इन्फ्लुएंस बढ़ाता है. इट इन्फ्लुएंस पिगमेंटेशन ऑफ स्किन. स्किन यानी स्किन के पिगमेंटेशन को भी रेगुलेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है. बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. इन फीमेल्स इट कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल. फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये कंट्रोल करता है. तो ये तो फंक्शन हो गया मेलेटोनिन का. तो ये अपने ब्रेन से रिलेटेड जितनी ग्लैंड्स थी वो कंप्लीट हुई हैं. अब नेक्स्ट आते हैं थायराइड ग्लैंड पे. मैंने आपको बताया था थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों? नेक में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, हमें पता है. द थायरॉइड ग्लैंड इज कम्पोज ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू और पैरा फॉलिक्यूलर टिश्यू. थायरॉइड ग्लैंड जो होती है वो किस किस से बन रही है, किस किस से फॉर्म होती है कि फॉलिकल्स होती हैं इसमें और स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. जो फॉलिकल सेल्स होती हैं वो दो हार्मोन को सिक्रीट करती है, थायरोक्सिन जिसको बोलते हैं टेट्राइडो थायरोनिन, और नेक्स्ट हार्मोन की बात करूँ तो ट्राइडो थायरोनिन हार्मोन. दो तरह के हार्मोन होते हैं, टेट्राइडो थायरोनिन और ट्राइडो थायरोनिन. दो हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है? फॉलिकल सेल्स सिक्रीट करती हैं. दे आर कलेक्टिवली नॉन एज थायरॉयड हार्मोन. इनको क्या कह रहे हैं हम? थायरॉयड हार्मोन कह रहे हैं. थायरॉयड हार्मोन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. दे रेगुलेट द बेजल मेटाबॉलिक रेट. पिट्यूटरी ग्लैंड तो बेटा पूरी बॉडी पे का कंट्रोल कर ही रही है, बट थायरॉयड ग्लैंड भी ऐसी होती है जो आपका लगभग पूरी बॉडी में कंट्रोल बना के रखती है, क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या फंक्शन कर रही है? बेजल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है बच्चों, रेगुलेट करती है. उसके अलावा क्या कर रही है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है. दे इन्फ्लुएंस द मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. वाटर इलेक्ट्रो यानी ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी इसका हो गया. दे सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन. रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करती है. कौन?
कौन सा हार्मोन बताएं? थायराइड हार्मोन। द पैरा फॉलिकल सेल सिक्रेट थायरोकैल्सिटोनिन। दो हार्मोन जो बताएं इनका फंक्शन ये होता है। तो मेनली बोला जाता है कि यदि थायराइड ग्लैंड में यदि कोई डिजीज होती है तो उसके कारण पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कंट्रोल कर रही है, ऑस्मोरेगुलेशन भी कर रही है, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को भी क्या करती है, सपोर्ट करती है। इसके अलावा एक और हार्मोन ये सिक्रेट करती है, दिस हार्मोन इज नॉन एज थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का क्या काम होता है? वन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन प्लाज्मा इंक्रीज, ऐसे ही कैल्शियम का लेवल प्लाज्मा में बढ़ जाता है, ये क्या करता है उसके लेवल को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। इज कॉल्ड हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन, यानी बहुत ज़्यादा कैल्शियम बढ़ गया तो उसको कम कर देगा, इसलिए इस हार्मोन को हम क्या नाम देते हैं, हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन नाम देते हैं। ठीक है, सिंस आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो आयोडीन होता है, इट्स डेफिशिएंसी रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म। यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है और इट मे लीड टू गॉइटर। इसको गॉइटर बोला जाता है, यानी गला का फूल जाना अच्छे से, विच इज एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। क्यों होता है? क्योंकि थायरॉयड ग्लैंड बड़ी हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अर्ली चाइल्डहुड रिजल्ट इन द डिसऑर्डर कॉल्ड क्रिटिनिज्म। यदि प्रेगनेंसी के समय हो रहा है या छोटे बच्चों में हो रहा है तो इसको हम क्या नाम देंगे, क्रिटिनिज्म नाम देते हैं। और इसके कारण क्या होती है, ग्रोथ स्टंटेड होती है, मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस होते हैं, लो इंटेलिजेंसी क्विसेंट होता है, एबनॉर्मल स्किन होती है और डिफ म्यूटेज्म होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। यदि बच्चे में हो जाता है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखते हैं। द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन इज एबनॉर्मली हाई। अभी तो मैंने क्या बताया, लो, लो होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाई होता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं बच्चों, ड्यू टू कैंसर, कैंसर के कारण भी हो सकता है और अदर फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। एक्सोप्थैल्मिक गॉयटर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव डिजीज भी जिसे बोला जाता है, इज फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों, एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, प्रोट्यूशंस ऑफ आईबॉल, आईबॉल का अंदर की तरफ धंसना। ठीक है, फिर है इंक्रीज बेजल मेटाबॉलिज्म रेट एंड वेट लॉस। इसमें वेट लॉस होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट इंक्रीज होता है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है थायराइड ग्लैंड का। इसके बाद आते हैं बच्चों पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है, मैंने आपको बोला था पहले भी कि दीज आर फोर स्मॉल पी साइज्ड पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, आपको फोर स्मॉल दिख रही हैं पी साइज्ड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, टू ऑन ईच ऑफ द लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। द पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन, अ पेप्टाइड हार्मोन, व्हेन द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द प्लाज्मा डिक्रीज। ये क्या कर रहा है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रेट कर रहा है और जब कैल्शियम का लेवल कम होता है तो ये उस लेवल को बढ़ाता है, यानी बढ़े हुए लेवल को कम करने का काम तो किसने किया था, थायरोकैल्सिमिया ने किया था। और इसको कम लेवल को बढ़ाने का काम कौन करेगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड करेगी। अब पेप्टाइड हार्मोन, व्हेन द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द प्लाज्मा डिक्रीज, सिंस इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड, इट इज कॉल्ड हाइपरकैल्शियमिक हार्मोन। ठीक है, अलॉन्ग विद थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन था बच्चों वो, पैराथायरॉयड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। दोनों मिलके कैल्शियम का बैलेंस करते हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड। फिर आते हैं बच्चों नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड पे आते हैं। थाइमस ग्लैंड मैंने बोली थी हार्ट के जस्ट पास होती है थाइमस ग्लैंड, बच्चों में बच्चों ये बड़ी होती है और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये छोटी होती जाती है। क्यों होती है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड का मेन काम होता है लिम्फोसाइट सिक्रीशन करना। लिम्फोसाइट क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। तो बच्चों में ये बड़ी होती है, उसके पीछे रीजन है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है, तो लिम्फोसाइट सिक्रीशन की ज़्यादा लिम्फोसाइट सिक्रीशन के की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाती है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड एओर्टा एंड सिक्रेट थायमोसिन। हार्मोन कौन सा है, थायमोसिन। द फंक्शन ऑफ थायमोसिन्स आर डिफ्रेंसिएशंस ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंसिएशन करता है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दे रहा है, टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है, विच प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। द थाइमस ग्लैंड डीजनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, मैंने कहा था ओल्ड्स में ही डीजनरेट हो जाती है, एंड हेंस दे हैव अ वीक इम्यून सिस्टम, तो उनमें वीक हो जाता है इम्यून सिस्टम। पेनक्रियाज, मैंने बोला था पेनक्रियाज भी हार्मोन सिक्रेट करता है। द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज कॉल्ड आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस।
उसे क्या बोलते हैं, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। ईच आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस कंटेन टू मेजर टाइप ऑफ सेल्स, अल्फा एंड बीटा। अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकेगॉन्स विच वाइल बीटा सेल्स सिक्रीट्स इंसुलिन। अल्फा सेल जो है वो क्या कर रही है, ग्लूकेगॉन्स का सिक्रीशन कर रही है, और बीटा सेल्स जो है इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीट करती है। ग्लूकेगॉन्स का क्या काम होता है बच्चों, ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये बढ़ाता है। इट एक्ट ऑन हिपेटोसाइट्स, हिपेटोसाइट्स लीवर सेल को बोलते हैं, उस पर वर्क करता है। एंड स्टूमलेट ग्लूकोजिनोलाइसिस एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ग्लूकोजिनोलाइसिस का मतलब तो बच्चों क्या होगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है इसको किसी भी तरीके से। इट स्टूमलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, वो तो था ग्लूकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब अमीनो एसिड का ग्लूकोज में बदलना, किसी भी तरीके से इसे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है। किसको, ग्लाइकोजन को, सॉरी ग्लूकेगॉन को, ठीक है। इट रिड्यूस द ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय सेल्स। क्लियर हो गया, ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। तो कैसे ये बढ़ा रहा है ग्लूकेगॉन, पहला तो ये क्या करता है, ग्लाइको जीनोलाइसिस करता है, डैट मीन्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और सेकंड ये क्या करता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी अमीनो एसिड को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इंसुलिन क्या करता है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। इट रिड्यूस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये उसको क्या कर देता है, कम करता है। इट स्टिमुलेट द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय टिश्यू सेल्स। इट एक्ट ऑन हेपेटोसाइट्स एंड स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन टू ग्लाइकोजन। ये क्या करेगा, जैसे ही लेवल इंक्रीज हो गया ग्लूकोज को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। इट ऑल्सो एक्ट ऑन एडिपोसाइट्स एंड स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन टू फैट्स। ये क्या करेगा, या तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लाइकोजन में, या फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, फैट में कन्वर्ट कर देगा। इट प्रिवेंट ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस को भी ये प्रिवेंट करता है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हमें पता है बच्चों क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया और प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिक रिजल्ट इन डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। इट्स सिम्टम्स क्या होते हैं, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज जो होता है वो सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होना, एक्सेस थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा क्या लगती है, प्यास लगती है, एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, और बार बार यूरिन डिस्चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के दो हार्मोन ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम एड्रेनल ग्लैंड पे। एड्रेनल ग्लैंड जो होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ एड्रेनल ग्लैंड होती है। इसके मेनली दो पार्ट होते हैं बच्चों, बाहर वाला पोर्शन तो कॉर्टेक्स होता है, और ये जो अंदर का पोर्शन है इसे मेडुला बोलते हैं, और कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों से अलग अलग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एड्रेनल ग्लैंड हैज टू टाइप ऑफ टिश्यू, द इनर एंड सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू कॉल्ड एड्रेनल मेडुला एंड द आउटर एड्रेनल कॉर्टेक्स, बाहर वाला एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। एड्रेनल मेडुला की बात करें तो ये मेनली दो हार्मोन सिक्रीट करती है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, या क्या नाम देंगे, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। बोथ द हार्मोन्स आर कैथेकोलामीन्स नाम दिया जाता है बच्चों इसे, सिंस दीज टू हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। स्ट्रेस की कंडीशन में ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एंड ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशंस दे आर कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन। इसलिए आपसे पूछा जाए एमरजेंसी हार्मोन कौन से होते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, और हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फाइट। दीज हार्मोन इंक्रीज, ये क्या करते हैं, क्या इंक्रीज कर रहे हैं, अलर्टनेस, डायलेशन ऑफ प्यूपल, पिलो इरेक्शंस, स्वेटिंग, ये सब चीज़ें बढ़ा देते हैं जब बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों। तो उस समय क्या होता है, उस समय हम अलर्ट हो जाते हैं, हमारी ये आँख जो होती है ये फैल जाती हैं, आईज जो होती हैं प्यूपिल फैल जाती है। उसके अलावा आपके स्वेटिंग, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्टैक्ट एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। दे स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन, फैट और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देते हैं। एक हार्मोन इन सब चीज़ों को बढ़ाता है और दूसरा हार्मोन जो होता है वापस उसे नॉर्मल ले आता है। इसलिए इन हार्मोन्स को क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन नाम दिया जाता है। नेक्स्ट
करते हैं एडिनल कॉर्टेक्स। एडिनल कॉर्टेक्स जो है इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। द इनर मोस्ट जो है इसे बोलेंगे जोना रेटिकुलरिस, मिडिल वाला जोना फैसिकुलेटा और सबसे आउटर वाला जो होता है उसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडिनल कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, उनको हम क्या नाम देते हैं, कॉर्टिकॉइड्स नाम देते हैं। सारे हार्मोन जो ये सिक्रेट कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, कॉर्टिकॉइड्स नाम दे रहे हैं। द आउटर मोस्ट सेल लेयर सिक्रेट एल्डोस्टेरोन विच इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सबसे बाहर वाला जो होता है वो क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, जिसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नाम से समझ आ रहा है, मिनरल्स यानी जो आपका ब्लड होता है उसमें मिनरल्स को बैलेंस करता है। इट रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी। द मिडिल लेयर ऑफ द सेल सिक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिडिल लेयर जो होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रेट करता है, और कार्टिसोल भी बोल रहे हैं इज एन एग्जाम्पल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोजिनोलाइसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, इसको क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, कार्टिसोल इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन। कार्टिसोल हार्मोन जो होता है वो क्या कर रहा है, हार्ट का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को थोड़ा कंट्रोल करता है और किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। कार्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इट प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये प्रमोट करता है। ये मैंने अभी बताया था आपको क्या मतलब होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। द मिडिल लेयर एंड द इनर मोस्ट लेयर जो होती है इसकी सबसे अंदर वाली सिक्रेट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स, एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स को सिक्रेट करती है। दिस प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्जियल हेयर, एक्जियल हेयर जो होते हैं हमारे प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल, मेल की प्यूबर्टी के समय हेयर्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। फिर आते हैं हम बच्चों टेस्टिस पे। द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग प्रेजेंट इन द इंटर ट्यूबुलर स्पेस ऑफ टेस्टिस, मैंने बोला था टेस्टिस के अंदर होती है, प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ एंड्रोजन्स मेनली टेस्टोस्टेरोन, क्या हार्मोन सिक्रेट करता है, ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है। ये जो होता है एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को ये क्या करता है, उनको मैच्योर करता है, उनकी फंक्शनिंग करता है। दे स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, मसल्स की ग्रोथ को बढ़ाएगा। दे कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी एंड एसेसरी सेक्सुअल करेक्टर लाइक अग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को इंक्रीज करता है उनमें। दे प्ले अ स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना। दे एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर। दे प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन पोषण, सॉरी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये सारे काम किसके हैं बच्चों, टेस्टोस्टेरोन के हैं। ओवरी जो होती है प्रोड्यूस दो हार्मोनी सिक्रेट करती है, एक तो होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो होता है सिक्रेट बाय द फॉलिकल सेल्स ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स एंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, दे स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। दे स्टिमुलेट द अपेयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी करेक्टर, फीमेल सेकेंडरी करेक्टर को की अपेयरेंस को स्टिमुलेट करता है। दे रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। और दे इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है ये। ठीक है, तो ये काम किसका बताया बच्चों, मैंने एस्ट्रोजन का बताया था। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो ओनली कार्पस लूटियम से ही सिक्रेट होता है और फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, तो अगर प्रेगनेंसी है तभी प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट रहता है, रेगुलर रहता है, और नहीं होगा तो नहीं रहता है वो। इट एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एलुलाई एंड मिल्क सिक्रीशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके गोनोट्स, जो ओवरी और टेस्टिस कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं और उनकी क्या फंक्शनिंग होती है। अब आते हैं जो हार्ट, मैंने बताया था हार्ट भी हार्मोन सिक्रेट करता है, तो वो कौन सा हार्मोन होता है बच्चों, द एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट सिक्रेट एट्रियल न्यूरी यूरेटिक फैक्टर, ये हमने एस्क्रेटरी सिस्टम में पढ़ा था इसका क्या काम होता है। व्हेन द ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर इन द एट्रिया इंक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये
फैक्टर रिलीज होता है, दीज हार्मोन डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। जैसे ही ये सिक्रीट होता है, ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है बाय कॉजिंग डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल के डायलेशन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं किडनी। किडनी कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है बच्चों? जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटर प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड इरिथ्रोपोएटिन। ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन सिक्रीट करती है। इट स्टिमुलेट इरिथ्रोपोएसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटर इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। इरिथ्रोपोएटिन इरिथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करती है, उसका मतलब होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। इरिथ्रोसाइट क्या होती है? आरबीसी होती है। हार्मोन फ्रॉम लीवर। लीवर के हार्मोन कौन से हैं बच्चों? लीवर सिक्रीट सम हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। उनको हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्रोथ फैक्टर कह रहे हैं। द ग्रोथ फैक्टर आर असेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड ऑल्सो फॉर देयर रिपेयर एंड रीजनरेशन। टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, उनकी रिपेयरिंग के लिए और रीजनरेशन के लिए जरूरी होता है। हार्मोन्स फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से कौन सा होता है? हार्मोन्स आर ऑल्सो सिक्रीटेड बाई डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। दे आर गैस्ट्रीन, सिक्रीट्रीन, कॉलीसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये हार्मोन वो सिक्रीट करता है। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं। हार्मोन एग्जर्ट देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू पे जाके अपने वर्क करता है ये बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर दैट आर प्रेजेंट इन द टारगेट टिश्यू देमसेल्फ। क्या करा? किसी भी ग्लैंड ने हार्मोन जैसे ही सिक्रीट करा तो उस पर्टिकुलर टिश्यू पे जाएगा और टिश्यू पे एक पर्टिकुलर जगह पे जाके वो जुड़ेगा। तो वो जगह क्या है? प्रोटीन है। और वो एक तरह से उनको बोलते क्या है? रिसेप्टर्स बोलते हैं। और फिर ये वहाँ जाके वर्क करता है। ईच रिसेप्टर स्पेसिफिक टू वन हार्मोन। हर रिसेप्टर एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है एंड बाइंडिंग टू द हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये मिलके क्या बना लेते हैं? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट टिश्यू एंड इट्स मेटाबोलिज्म। जैसे ही हार्मोन उस रिसेप्टर पे जाके जुड़ेगा तो इसमें कुछ चेंजेज होते हैं। चेंजेज होने से क्या होता है? उनका मेटाबॉलिज्म जो उनके टारगेट टिश्यू को ही अफेक्ट करता है और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। द फॉलोइंग आर टू मेथड ऑफ हार्मोन फंक्शनिंग। दो तरह से हार्मोन फंक्शन करते हैं। हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर। मेम्ब्रेन के ऊपर ही यदि रिसेप्टर होते हैं, उस तरह के हार्मोन की बात करें जो कि हैं इंसुलिन और FSH, डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। टारगेट सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर लाइक साइक्लिक एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट और इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट कैल्शियम आयन विच रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। किसने क्या करा? फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन रिसेप्टर जो कि मेम्ब्रेन था उस पर जाके जुड़ गया। वहाँ से एक मैसेज किस फॉर्म में? या तो कैल्शियम आयन के फॉर्म में, या फिर इसने बताया साइक्लिक एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में, या इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में अंदर सेल के अंदर भेजा और उसमें अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया। नेक्स्ट क्या करता है? हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यानी सेल के अंदर की तरफ जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे वर्क करता है। जो कौन से होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन और थायराइड हार्मोन। नॉर्मली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। वो क्या करेंगे? जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट, यानी सेल के अंदर यदि वर्क हो रहा है तो जीन के रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं और क्रोमोजोम की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। द बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट। बायोकेमिकल एक्शन जो होते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी डालते हैं और उनकी डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट डालते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिलेबस भी बायो का खत्म हो गया।